विनय रोहिला जी हमारे लोकसभा के प्रभारी, मंच पर आसीन विधानसभा विकास नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, बगल की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव सिंह कुंडीर जी एवं मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस बहुत ही विशाल जनसमूह में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज जो आप लोगों ने इतना माननीय नड्डा जी के यहाँ पहुंचने पर आपने सबका स्वागत किया, आपने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब के बीच में उन्होंने हमारे यहाँ समय दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सामर्थ्यवान भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और पहचान पूरे विश्व में बढ़ी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये 400 पार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने के लिए है, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए है, भारत दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे काम चूंकि केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे कामों को यहाँ आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले अगर 10 सालों का हम अगर बात करें तो 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, ये मैं कह सकता हूं भूतो न भविष्यति, उत्तराखंड राज्य के हमारी सरकार ने लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय लिए, यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण जो हमारी पार्टी का देश आजादी के बाद से लेकर हमेशा एक संकल्प रहा है, वो सौभाग्य हमको आदरणीय नड्डा जी के कारण, हमारे अध्यक्ष जी के कारण हमारे राज्य को मिला। हर एक उत्तराखंड वासी को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से हमने नकल विरोधी कानून हो या दंडा विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का विधेयक हो, 30% अपनी मातृशक्ति को आरक्षण देना हो या 10% का उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो या 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से, मुक्त रूप से भरे जाने की जो योजना जो